ग्राउंड मेरी टीम मौजूद है भाई। आज सफीदा विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र में जहां हर गांव के अंदर, हर गली के अंदर, हर कॉलोनी के अंदर, शहर में, मंडी में, कॉलोनियों में, गांव में जिन्होंने धूम मचा रखे, जिनके नाम के आज बच्चे बच्चा के नाम पे जिनका नाम है आज़ाद उम्मीदवार राजवीर शर्मा। ये है राजवीर शर्मा जो ये कहते हैं, दावा करते हैं कि इस बार फौजी सरकार इनके मुँह से कहलवा दिया फौजी सरकार। तो देखते हैं कि फौजी सरकार इस बार कहाँ तक जाती है, विधानसभा जाती है या नहीं जाती है, जनता सफीदों की इनको विधानसभा भेज पाती है या नहीं भेज पाती है। आइए इनसे बात करेंगे, सफीदों विधानसभा ग्रामीण क्षेत्रों में घूम रहे हैं, इनसे ही बात करते हैं। हम भाई साहब नमस्कार, ग्राउंड में सबसे पहले स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद हरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर देसी मान दूँ? हाँ, देसी मान दे भाई। भाई साहब नहीं हुआ बात, दुनिया देश MLA बनकर सोन लाग रहा है, दुनिया टिकट लेकर सोन लाग रही है, सारे सौदे जमा साम दाम दंड भेद सब कर रखा है, और आपका जितना भारी जनसमर्थन मिल रहा है सफीदों हल्का से, हर गांव से, हर कॉलोनी से, शहर से, मंडी से, जहां भी जाते हो वहीं जो जो हम कट्टा पूरा मजमा जुड़ जाता है। क्या कारण है और कैसा लगता है इतना जो जनसमर्थन, पिछले जो काफी लंबे समय से मेहनत कर रहे थे, क्या अब उसका फल मिलता दिखाई दे रहा है? बिल्कुल फल मिलता दिखाई दे रहा है, लोगों का भरपूर समर्थन है, लोगों का बिल्कुल बहुत ज़्यादा सहयोग मेरे को मिल रहा है। और जो बात कर रहे हो आपकी, लोग टिकट का इंतज़ार कर रहे हैं, सो रहे हैं, क्योंकि वो लोग जनता की सेवा करना नहीं चाहते, वो लोग राजनीति करना चाहते हैं, इसलिए वो टिकट का इंतज़ार कर रहे हैं। जिन्होंने जनता की सेवा करनी है, जिन्होंने जनता से वोट लेनी है, जिन्होंने जनता के बीच में रहना है, उसको तो जनता के बीच में रहना। अब सर्वे करने लग रहे, सर्वे में घनी जगह एक बात लिखकर कहा है, बात अखबार जो सफीदों के बड़े बड़े दिग्गज जो मतलब लैंडलॉर्ड पार्टियां हैं, बड़े बड़े नेता हैं, न्यू बोले साम दाम दंड भेद, न्यू कह MLA बनकर छोड़ देंगे, फिर के करोगे आप? ऐसा है जी, श्याम दाम दंड भेद ये पुरानी राजनीतिक बातें हैं, वो बातें जब होती थी जब राजा महाराजा हुआ करते, आज लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, ये जनता जो हम समूह आप देख रहे हो, जनसमूह, ये जिसको चाहेगा उसी को ताज पहनाएगा, ये श्याम दाम दंड भेद की राजनीति आज के दिन नहीं चलती है, तो इन्हीं लोगों के समर्थन से काम चलेगा। भारी जनसमर्थन मिलता दिखाई दे रहा, हमने भी कई सर्वे करे हैं, आपके जहाँ भी जाते हैं अजूम इकट्ठा हो जाता है, कैसा लगता है उस समय? बिल्कुल बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि जिस काम को आप कर रहे हो उसमें आपको लोगों का पूरा सहयोग मिले तो इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं होती, और बहुत बड़ी खुशी की बात है, बहुत बड़ा एक अच्छा मौका है, और लोग पूरा सहयोग और समर्थन दे रहे हैं। तो राजवीर शर्मा एक बात और बताइए आप हमें, हम आपके ऑफिस में भी जाते हैं, जहाँ शहर में ऑफिस बना रखा है वहाँ खुला भंडारा चला रखा है देसी का आपने जी। और वहाँ भीड़ लागी रहे, वोट बाट भी दे देंगे क्या? बिल्कुल देंगे, जो लोग साथ में घूमते हैं, जो लोग कार्यक्रम करते हैं, जो लोग साथ में जुड़े हुए हैं, वो सारे के सारे साथ देंगे, सहयोग देंगे सारे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई रुके 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 भाई रुके, मेरी बात सुनिए भाई, क्या नाम है भाई तेरा? विक्की है जी। विक्की भाई, इसकी बात हमने सारे ने पूछ लू, इधर तो पूछे पूछूंगा तारे पर और पूछ ली। भाई एक बात बता, जो कर राजवीर शर्मा उठाया है इलेक्शन में बिठा दोगे कि नहीं? देख ले झूठ ना बोलिए भाई, सब तो देश देख लग रहा है, माता के नवरात्र हैं, देवी की सौगंध है, सच्ची बोलिए, इलेक्शन में उठा दोगे के? देख लियो है भाई साहब। राजवीर शर्मा, राजवीर शर्मा, अब की बार, अब की बार, राजवीर शर्मा, राजवीर शर्मा, अब की बार, अब की बार, अब की बार। भाई ग्राउंड मीडिया के दर्शकों देख लो, जुड़ से हमारे चैनल ने देखे ध्यान से देख लियो भाई, राजवीर शर्मा ठा दिया छोरे ने कंधे पे, और देवी माँ की रेलिन से सौगंध, हमने कहते कल नहीं झूठ बोलते जितने तो खड़े हैं, कड़े और कड़े और कड़े और देसी की के भंडारे खाए जाओ, और वोट टाड़े दिन ऐसा नहीं है। मैं तो कह लू फिर, मैं तो कह सकू, मना नहीं रोक सकते आप, ठीक है नी? सची कहनी और सुखी रहनी, ठीक है नी? मैं यह पूछू था भाई, मैं अपने दर्शक ने बताऊं, मैं तुम भी देख दे रही हो भाई, ठीक है ना? अर्जे ने मतलब पढ़ सारे चेहरे दिखा दे, अर्जे जुड़ना पोर्टल से पढ़ते दिखे रहे और ही कर दिए काम, ठीक है नी? और दूसरी बात भाई, ग्राउंड मीडिया के दर्शकों एक बार और सुन लो कि भाई हमने दिखाया आपको राजवीर शर्मा उठा जाए छोरे ने कंधे पे, 21 तारीख ने वोट पड़ेगी और 24 ने रिजल्ट होगा, ठाण का टाइम तो उस टाइम था भाई ने पहले उठा दिया, तारीख ने सारे उठा के लावांगे, सारे उठा के लावांगे, पूरी जनसंख्या साथ में जुड़ के। वाह भाई वाह, छोरी इतना जोश क्या क्यों करे भाई,
भाई हम फौजी का साथ में लगे हुए हैं, छवि के अनुसार, इनकी छवि के अनुसार खास और भी तो कैंडिडेट है, मोती लग रहे माला लग रही है, कैंडिडेट देख लिए, सर एक फौजी सरकार या जो हिंदुस्तान के अंदर ईमानदार है, अच्छा ये ईमानदार है, गणग्रह तो नहीं बनिया, बाकी बेईमान है, बाकी बेईमान है, हाँ फौजी सरकार ईमानदार है, गणग्रह तो न्यू कहा अग बनिया पड़िया, पूरा ईमानदार है वाला, तो राजवीर शर्मा बनिया खड़िया, हाँ जी रुको तो राजवीर शर्मा जी, ग्राउंड मीडिया की भी आपको शुभकामनाएं कि आपको ऐसा जनसमर्थन मिलता रहे, और एक ना तो बनना है गुड़ेंगे तो सारे बनेगा, तो एक के ठीक है जी, हमारे तो ये दुआ है, सब सभी सभी कैंडिडेटों के लिए दुआ, सारे जीतो सारे जीतो सारे जीतो, लेकिन जीतेगा एक के, जीतेगा एक के भाई, अरे जो कौन ना जीतेगा फौजी, पक्का फौजी सरकार, हाँ जी पक्का फौजी सरकार। ग्राउंड में से बात करने के लिए बहुत बहुत है, राजवीर शर्मा हमारे साथ थे भाई, ने दिखा दिया अपना दम खम, ठा दिया छोरे ने भाई, 24 तारीख में ठा देंगे, विधायक बनाकर ठा देंगे इनको, तो ठीक है, तो आप बने रहिए इस तरह के सर्वे, इस तरह के आयोजन कार्यक्रम देखने के लिए ग्राउंड में, ग्राउंड मीडिया से मैं हरीश कपूर, अपने कैमरामैन सहयोगी इंतजार आलम के साथ, क्या देखें किसके लिए, राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।